Assalamu alaikum everyone, welcome back my channel, my parrot wifi and me. आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम अपने पैरट से दोस्ती कैसे करें, हम अपने पैरट का ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं, उनसे कैसे हम अच्छा एक बाउंड बना सकते हैं। वो आपका पैरट 15 मंथ का हो या फिर 2 ईयर का हो, वो मेल हो या फीमेल हो। और ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर लेकर आई हूँ। उनको जानना था कि इनका 2 ईयर का एग्रेसिव पैरट है, तो हम उससे कैसे बाउंड बना सकते हैं, उससे फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और हो सकता है इस वीडियो से और भी लोगों को फ़ायदा हो, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हम अपने पैरट से दोस्ती कैसे करें, उसका ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं, उससे एक अच्छी बॉन्डिंग कैसे बना सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम अपने पैरट से कनेक्ट नहीं होते, उससे दोस्ती नहीं करते, तब तक आपका पैरट ना टेम हो पाएगा ना टॉकिंग करना सीखेगा, ना तो आपकी कोई भी बात मानेगा। इसीलिए अगर आप एक पैरट कीपर है और आपके पास पैरट है, तो उसके साथ आप बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अपने पैरट से दोस्ती करना चाहते हो तो उसका मैक्सिमम एज 6 मंथ तक का या 8 मंथ तक का होना चाहिए। बट आपके पास अगर एडल्ट पैरट है और आप उसको बचपन से पाल रहे हो, तो भी आप उससे दोस्ती कर सकते हो। हाँ, बट आप अगर अभी इस टाइम एक एडल्ट पैरट लेकर आते हो और फिर सोचते हो कि उससे दोस्ती करें, तो वो इम्पॉसिबल है। बट आपके पास पहले से ही पैरट है, बट आप उसे पहले से टाइम नहीं दे पाए, उससे दोस्ती नहीं कर पाए, और आज के टाइम पे आप ऐसे सोच रहे हो कि अभी मेरा पैरट 15 मंथ का हो गया है और या 2 ईयर का हो गया, तो अभी उससे दोस्ती आप तो अब कर सकते हो। इसीलिए आपके पास जितना छोटा पैरट होगा ना, उतना जल्दी वो आपसे कनेक्ट होगा, आपसे उसकी एक बॉन्डिंग बनेंगे और आप उससे दोस्ती कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी 2 ईयर का पैरट है या 15 मंथ का पैरट है, तो भी आप उससे दोस्ती कर सकते हो। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें पैरट से दोस्ती कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1, आप अभी तक अपने पैरट को टाइम नहीं दे रहे थे, तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आपके पैरट का जो भी फेवरेट फूड है, आप क्या करें, उसको अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करें। आप पैरट उसका फेवरेट फूड देखकर इजीली वो आपके हाथों से खा लेगा। पॉइंट नंबर 3, स्टार्टिंग टाइम में आपका पैरट, हो सकता है कि आप उसको खाना खिलाने जाओ, फूड खिलाने जाओ, तो वो आपको बाइट कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने पैरट पे चिल्लाना नहीं है, उसको पनिश नहीं करना है। अगर आप उससे गुस्सा करोगे तो आपसे डरने लगेगा। इसीलिए अगर आपका पैरट आपको बाइट कर भी ले, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करना है। उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपको दर्द हुआ है उसके बाइट से। अगर उसको पता चलेगा ना कि आपको दर्द हुआ है, तो आपको और बाइट करेगा, क्योंकि ऐसा करने में उसको मज़ा आएगा। इसलिए आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि उस टाइम अगर वो बाइट कर रहा है तो आधे घंटे के लिए उसको उस वक्त छोड़ देना है। उसके बाद अगेन आपको वही चीज़ करनी है, उसको अपने हाथ से फूड खिलाने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 4, पैरट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप अगर घर में रहते हो तो आप जहाँ रहते हो मैक्सिमम उसका केज उसको वहाँ रखना है, उससे बातें करते रहना है। आप काम भी कर रहे हो तो आप उससे बातें कर सकते हो, आते जाते आप उससे बातें करें। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको उससे एक अच्छी बॉन्ड बनानी है, तो उसको ज़्यादा टाइम आप केज के बाहर रखें। अगर इमरजेंसी हो और रात के टाइम पे ही आप उसको केज में रखें, वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको केज के बाहर ही रखें। और एक बात आपको इम्पोर्टेंट ज़रूर बताऊंगी कि आपको अगर अपने पैरट से बॉन्डिंग बनानी है, तो जब उसको केज में रखने का टाइम होता है, आप उसको केज में न रखिए, फैमिली के किसी अदर मेंबर को कहे कि उसे केज में रखें। बट उसको केज से बाहर जब निकालना होगा, तो आप ही उसे केज से बाहर निकालें, ताकि उसको ये लगे कि उसका ओनर उसको फ्री कर रहा है, उसको केज से बाहर निकाल रहा है, तो वो धीरे धीरे इस तरह आपके ट्रस्ट करेगा। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप अपने पैरट को शोल्डर पर बिठाइए, क्योंकि पैरट जो है ना, वो शोल्डर पर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हो रेगुलर बेसिस पर, तो आपके और आपके पैरट के बीच एक बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई, वो डेली बेसिस पे करना है। हो सकता है इसमें टाइम लगे,
2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखते हुए सारी चीज़ें फॉलो करनी है। सो बाय एवरीवन।